दोस्तों, चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बहुत पुराना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों के बीच सीमा का निर्धारण ना होना, क्योंकि दोनों की सीमा रेखा मैकमोहन लाइन के आधार पर बटी हुई है, जिसे भारत तो मानता है लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना, और इसीलिए वो अक्सर भारत के साथ सीमा विवाद में उलझता रहा है। डोकलाम के बाद ये दूसरी बार है जब दोनों देश की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए थे। हालांकि बातचीत के बाद हालात को सामान्य कर लिया गया, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चीन के बौखलाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो सड़क जिसे भारत बॉर्डर के करीब बना रहा है। इस सड़क के बन जाने से चीनी बॉर्डर के पास भारत की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी, और चीन इसी बात पर चिढ़ा हुआ है। हालांकि भारत चीनी बॉर्डर के पास सिर्फ सड़क ही नहीं बना रहा, बल्कि लद्दाख तक पहुंचने के लिए वो हिमाचल के रोहतांग से भी एक लंबी सुरंग बना रहा है, जिससे बहुत कम समय में लद्दाख पहुंचा जा सकता है। इस टनल के बन जाने से किसी भी मौसम में मनाली से लेह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अभी के समय में सर्दी के मौसम में मनाली से लेह जाना नामुमकिन हो जाता है। इतना ही नहीं, ये टनल दुनिया का सबसे लंबा टनल भी है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी टनल के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बनने के बाद भारत एक और रास्ते से चीनी सीना के करीब पहुंच जाएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी टनल के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बनने के बाद भारत एक और रास्ते से चीन की सीमा के करीब बहुत कम समय में पहुंच सकता है। मनाली से कारगिल और लद्दाख पहुंचना होगा आसान। इस साल शुरू हो सकता है रोहतांग टनल। हिमाचल प्रदेश में बन रही दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का काम तेजी से चल रहा है। इसका काम सितंबर तक पूरा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। भारत के लिए ये टनल कितना जरूरी है, इसको इस बात से ही समझा जा सकता है कि जब कोरोना की वजह से पूरा देश थम सा गया था और सभी काम बंद कर दिए गए थे, तब भी विशेष परमिशन लेकर इसके काम को चालू रखा गया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि काम अभी खास स्टेज पर है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। इसमें लाइटिंग, वेंटिलेशन, इंटेलिजेंस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फिट किए जा रहे हैं। इस टनल के बन जाने से भारतीय सेना अब मनाली होते हुए कुछ ही घंटों में कारगिल और लेह लद्दाख पहुंच सकेगी। 8.8 किलोमीटर लंबी अटल रोहतांग सुरंग न केवल सरहद को 46 किलोमीटर नजदीक लाई है, बल्कि इसने 6 महीने दुनिया से कटे रहने वाले जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों को भी राहत दी है। लेह लद्दाख में देश की सेनाओं तक आसानी से पहुंचने और रसद पहुंचाने के लिए बनाई जा रही अटल रोहतांग सुरंग का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 4000 करोड़ की लागत से 10000 फीट की ऊंचाई पर बन रही इस आधुनिक महत्वपूर्ण सुरंग का रोड वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। 4000 करोड़ की लागत से बन रहा है रोहतांग टनल। पीर पंजाल की पहाड़ियों में 10000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही इस आधुनिक और महत्वपूर्ण सुरंग का रोड वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। 4000 करोड़ की लागत से बन रही इस टनल का काम इसी साल के अंत तक पूरा होना है। ये सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इससे हिमाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों और लद्दाख के बीच सभी तरह के मौसम में सड़क यातायात सुगम हो जाएगा। इसके निर्माण के दौरान सीमा सड़क संगठन को कई तरह के भौगोलिक और मौसम संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासतौर से सेरी नाला फॉल्टी जोन के 587 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य काफी जटिल और मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी बीआरओ ने इस सड़क को बनाने का काम पूरा किया। जून 2010 में जब रोहतांग सुरंग का शिलान्यास हुआ था, तब 2015 में इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सेरी नाले के रिसाव ने न केवल निर्माण का लक्ष्य प्रभावित किया, बल्कि बीआरओ सहित निर्माण में जुटी स्ट्रॉबेग एफकॉन कंपनी सहित
डिजाइनर को आकार देने वाली स्मैक कंपनी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोहतांग सुरंग वाया शिंकुला और जॉन्सकर घाटी होते हुए सेना को कम समय में कारगिल पहुंचाएगी। चीन के साथ युद्ध के हालात में भी यह सुरंग सेना के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन साबित होगी टनल। भविष्य में यह टनल लेह लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के लिए भी लाइफलाइन साबित होगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों को भेद कर बनाई गई इस सुरंग के नीचे एक और टनल का निर्माण हो रहा है, जिसे आपात स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बीआरओ की देखरेख में ऑस्ट्रिया और भारत की ज्वाइंट वेंचर स्ट्रॉबैग एस्कॉन कंपनी इसका निर्माण कर रही है। टनल के अंदर सेरी नाले में कुछ भाग पर दिक्कतें आई थीं, जिन्हें दूर किया गया है। रोडवर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। वेंटिलेशन और लाइट समेत फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है और माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों में ये सुरंग देश को समर्पित कर दी जाएगी, जिसके बाद इस इलाके से सेना के वाहन किसी भी मौसम में कारगिल और लेह तक आसानी से फर्राटा भर सकेंगे। 3 जून 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केलांग में एक जनसभा में रोहतांग टनल निर्माण की घोषणा की थी। 2004 में वाजपेयी ने रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल को मनाली लेह हाईवे से जोड़ने वाली पलचान धुंधी सड़क का शिलान्यास कर टनल निर्माण की राह खोली थी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरे से रोहतांग टनल निर्माण की परिकल्पना शुरू हुई थी। जून 2010 में सोनिया गांधी ने रोहतांग टनल का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू किया था। पिछले साल ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने इस टनल का नाम अटल टनल कर दिया था। जिस तेजी से इस टनल को बनाने का काम चल रहा है, उससे लगता है कि सितंबर तक इसका काम पूरा हो जाएगा।